नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 2016, J7 नेक्स्ट और गैलेक्सी J5 प्राइम चार्जिंग टेस्ट के लिए। गैलेक्सी J7 2016 और गैलेक्सी J7 नेक्स्ट दोनों ही डिवाइस 5 वोल्ट एंड 1.55 एम्पियर के अडेप्टर के साथ आते हैं, तो वहीं J5 प्राइम आता है 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर के अडेप्टर के साथ। बात करें अगर बैटरी की, तो J7 2016 के साथ आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी, J7 नेक्स्ट के साथ आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, तो वहीं J5 प्राइम के साथ आपको मिलती है 2400 mAh की बैटरी। तो चलिए देखते हैं कौन सा डिवाइस होता है सबसे पहले फुल चार्ज। तो लगभग एक घंटे बाद J7 नेक्स्ट और J7 2016 हो चुके हैं 52% चार्ज, तो वहीं J5 प्राइम है अभी 44% पर। एक घंटे 15 मिनट बाद J7 2016 63%, J7 नेक्स्ट 60%, तो वहीं J5 प्राइम 53%। एक घंटे 36 मिनट यानी लगभग 100 मिनट बाद J7 2016 79%, J7 नेक्स्ट 71%, तो वहीं J5 प्राइम 67%। एक घंटे 52 मिनट बाद J7 2016 90%, J7 नेक्स्ट 82%, तो वहीं J5 प्राइम 78%। तो 2 घंटे और 23 मिनट बाद J7 2016 हो चुका है फुल चार्ज, तो वहीं J7 नेक्स्ट और J5 प्राइम है अभी 92% पर। यानी कि सबसे बड़ी बैटरी होने के बावजूद J7 2016 हो चुका है दोनों डिवाइस से जल्दी फुल चार्ज। और 2 घंटे 36 मिनट बाद J7 नेक्स्ट भी हो चुका है फुल चार्ज, अब रह गया J5 प्राइम जो है 96% पर। तो 2 घंटे 45 मिनट बाद J5 प्राइम हो चुका है फुल चार्ज, तो यहाँ सबसे बड़ी बैटरी आपको मिलती है 3300 mAh की J7 2016 के साथ, जिसने लिया सबसे कम समय 2 घंटे 23 मिनट का। उसके बाद आता है J7 नेक्स्ट, जिसके साथ आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी और सेम वही अडेप्टर जो मिलता है आपको J7 2016 के साथ, फिर भी J7 नेक्स्ट का जो चार्जिंग टाइम है वो है 2 घंटे 36 मिनट। उसके बाद आता है J5 प्राइम, जिसमें आपको मिलती है 2400 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ आपको एडेप्टर उतना पावरफुल नहीं मिलता जितना J7 2016 और J7 नेक्स्ट में मिलता है, इसीलिए इसने समय लिया 2 घंटे 45 मिनट का। तो ये था मेरा चार्जिंग कंपैरिजन, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगला रिव्यू मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।